तो हम लोग पहले भी प्रीपोजिशंस के हमने टाइप्स देख लिए थे, और उसके बाद हमने प्रीपोजिशंस के जो मेन कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं, जैसे सिंस, फॉर और अप टू और ऑन, अबो, ओवर, अबो, ये सब देखे थे। तो हम लोग उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने पे मैं आपको बोलूँगा एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो रूल्स आपने यहाँ बता मैं जो रूल्स आपको यहाँ बताऊँगा वो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली हेल्प करेगा। और क्योंकि हम लोग इसका बेसिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो भी थोड़ा आप दिमाग में रखने की कोशिश करिए, और पहले क्वेश्चंस को देख करके पहले ऑप्शंस सोचिए कौन से होंगे, उसके बाद ही हम आप आगे बढ़िए, ठीक है। और इसका कमेंट बॉक्स में जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता हो, आप टोटल मैंने यहाँ पर सिर्फ 15 क्वेश्चंस लिए हैं अभी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मार्क्स कितने आए हुए हैं। अगर आपके मार्क्स 12 से 15 के बीच में है, मतलब आपकी तैयारी सॉरी दोस्तों, अगर आपके मार्क्स 12 से 15 के बीच में है तो बहुत अच्छे हैं। अगर आपके मार्क्स 5 से कम है तो जितने वीडियोस में बताया हूँ, जितने रूल्स में बताया हूँ, वो आप सब अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, देयर वर स्पेक्यूलेशंस बिफोर दिस इवेंट्स विच अल्टीमेटली फिल इन द ब्लैंक्स, अपन को भरना है प्रीपोजिशंस के साथ, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिपब्लिक। तो क्या बोल रहे हैं, स्पेक्यूलेशन मतलब क्या होता है कि लोग ऐसा सोच रहे थे या फिर लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि इस इवेंट से पहले, मतलब उस जो भी घटना से पहले यह अनुमान लगा रहे थे कि क्या होने वाला है। तो क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक कोई पार्टी होगी या फिर रिपब्लिक कोई देश का वो होगा, तो उसकी मतलब उसका जन्म हुआ है, समझ लो, है ना, उसका निर्माण हुआ है। तो देखिए, जब भी कोई चीज़ बनती है ना, तो उसका हम लोग पहले पहले तो क्या बोलते हैं, अगर किसी चीज़ का होना हुआ हो तो वहाँ पर हम लोग एक शब्द भी यूज़ करते हैं, लीड टू। बट देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस हमारे ऑप्शन भी है लीड, बट लीड के बाद हमको क्या चाहिए होता है, हमेशा टू चाहिए होता है, यहाँ पर टू नहीं है तो ये वाला ऑप्शन ऐसे इलिमिनेट हो जाएगा। देखो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो ऑप्शंस एलिमिनेट करिए, आपका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। वारंटेड, वारंटेड मतलब क्या होता है सॉरी दोस्तों, वारंटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की गारंटी टाइप का देना, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई वारंटी था नहीं कि वो रिपब्लिक पार्टी बन ही जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बॉट मतलब क्या होता है, बॉट मतलब लाया गया, लाया गया तो ऐसा कुछ था नहीं कि इस पार्टी को लाया गया है, तो कल्मिनेटेड का जो मीनिंग एग्जैक्टली होता है वो यहाँ पर फिट होगा। कल्मिनेटेड मतलब वहाँ से उसका निजात हुआ, या फिर बोलना चाहिए जिसकी उत्पत्ति हुई, समझ लीजिए, है ना। कल्मिनेटेड मतलब एक रिजल्ट जिसका आया हुआ है उसको हम लोग कल्मिनेटेड बोलते हैं। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं, द डॉक, यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अगर अगर आपने एक का भी फिल इन द ब्लैंक्स पकड़ लिया तो आप ऑप्शन से ऐसे ही एलिमिनेट करके उसको भर सकते हैं। जैसे क्या लिया पहला ऑप्शन, द डॉक्टर्स फिल इन द ब्लैंक्स अ स्पेशल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन द पेशेंट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स द डिसीज। अब देखिए हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, रिलीव। हमको जब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से भरेंगे रिलीव, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो रिलीव डिसीज़ को रिलीव करना एक हिसाब से सही लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूज्ड जो सेंटेंस यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है वो इस सेंटेंस में यूज़ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, और जब डॉक्टर कोई देता है तो वो क्या करता है, या तो प्रिस्क्राइब करता है या तो एडमिनिस्ट्रेट करता है। एडमिनिस्ट्रेट प्रिस्क्राइब कब करेगा, यदि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवा लिख के दे दी, आप उसको मेडिकल में जाकर लिए, तो वो क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन होगा। हम नहीं बोलते डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाइए, लेकिन यहाँ पर क्या करें, डॉक्टर खुद उसको हेल्प कर रहा है एंटीबायोटिक दे के, तो क्या होगा, वो एडमिनिस्टर्ड होगा। तो एडमिनिस्टर्ड कर रहा है डॉक्टर टू कन्वर्ट द डिजीज। तो इसका इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर डी होगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा है, वी जज अवर सेल्स बाई अवर थॉट, फिल इन द ब्लैंक्स है, अदर्स जज अस बाई अवर एक्शंस। कहने का मतलब क्या है, दूसरे लोग हमेशा हमको, मतलब हम किसी को भी जज करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने थॉट से जज करते हैं, लेकिन जब कोई दूसरे हमको जज करते हैं तो हमारे एक्शन से जज करते हैं, मतलब हमारे जो भी क्या बोलना चाहिए, चाल चलन जो अपन बोलते हैं ना हिंदी में, चाल चलन से वो जज करते हैं। तो देखो, वैन वैन का मतलब क्या होता है, कब, जब वो टाइम का कहीं पर फ्रेम होगा, बट यहाँ पर टाइम का तो कोई फ्रेम है नहीं, यहाँ पर हमको कंपैरिजन करना है, बिकॉज भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि कारण किसी का बताना नहीं है, हमको कंपैरिजन करना है। लेस्ट मतलब क्या होता है, यह भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ठीक है। लेस्ट मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ का वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, छोड़ देना, तो यहाँ पर वो भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो वेयर एस है, वेयर एस यहाँ पर एग्जैक्टली फिट हो रहा है कि वो कंपेरिजन कर रहा है कि हम तो अपने दूसरों को जज
हम अपने अपने आप को अपने थॉट से जज करते हैं, लेकिन जो दूसरे वेयर एज, मतलब कि जबकि जो बोलते हैं ना, जबकि दूसरे हमको हमारे एक्शन से जज करते हैं, हमारे चाल से जज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चौथा है, देयर कंट्री हैज़ नो मिनरल रिसोर्सेस टू स्पीक। अब देखिए, आप कोई कंट्री है, मान लो बात कोई कंट्री, जैसे कोई गरीब से देश मान लेते हैं, मान लो के बाद जैसे नेपाल में भी है, चलो हम मान लेते हैं नेपाल में अपन के पास आयरन वायरन की थोड़ी कमी है, मान लो बात, ठीक है, तो वहाँ पर अपने आयरन की कमी है, तो क्या होगा, देयर कंट्री हैज़ अ नो मिनरल रिसोर्स टू स्पीक इन। मतलब क्या होता है स्पीक इन, मतलब हम क्या, जब किसी भी को स्पीक इन करने के लिए बोलते हैं, तो हमको बोलना चाहते हैं कि आप कुछ बोलिए। स्पीक ऑन मतलब क्या होता है, किसी भी जैसे कोई टॉपिक दिया हुआ है ना, और उसमें मैं किसी को बोलने के लिए बोलूँ, तो वो क्या होगा, स्पीक ऑन द टॉपिक, ठीक है, तो वो स्पीक ऑन। स्पीक विथ मतलब क्या होगा, जब हम किसी के साथ बात करें, या फिर क्या बोलना चाहिए, स्पीकर के सामने बात कर रहे हैं, या फिर किसी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो हम लोग किसी भी मतलब उसके साथ क्या बोलना चाहिए, किसी के हेल्प से बात कर रहे हों, चाहे स्पीकर हो चाहे कुछ हो, तो अपन लोग विथ यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर किसी कंट्री के मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रही किया जा रहा है, तो हम लोग ऑफ का यूज़ करेंगे। देयर कंट्री हैज़ नो मिनरल रिसोर्सेज टू स्पीक ऑफ, हमेशा मतलब क्या होगा, उसके बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है, मतलब कंट्री के पास मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्पीक, ये ऑफ को ले रहा है, ये आपको थोड़ा सा रूल समझना पड़ेगा, जब आप लोग को प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं आपको रूल्स बताए हुए हैं, वहाँ ही ये देखिएगा आपको ऑफ पे यूज़ क्या क्या है, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी और मिल जाएगी, अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो। फिफ्थ क्वेश्चन है, दे हैव सेट आउट, फिल इन द ब्लैंक्स है, अ जर्नी टू अ हिल स्टेशन। अब देखिए, हम किसी भी जर्नी को जा रहे हैं, मतलब हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, हिल स्टेशन में जैसे घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी जर्नी का स्टार्ट करेंगे, है ना, मतलब कि सेट आउट ऑन द जर्नी होगा, ठीक है, ऑन अ जर्नी मतलब कि मैं एक जर्नी पे निकला हुआ हूँ, ऑन अ जर्नी होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए, विथ कब आता है, विथ अगर हम किसी के साथ जा रहे होते तो आता, तो विथ यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑफ कब आता है, ऑफ मतलब जैसे मैंने आपको बताया था स्पीक ऑफ, है ना, तो ये ऐसा ही यहाँ पर ऑफ भी कैंसिल हो जाएगा। इन कब आता है, इन के मैंने आपको पहले बताया था, अंदर अंदर जाने के बाद जब कहाँ भी वो होगा, अपने को आभास होगा, तब हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर अंदर तो कहीं जा नहीं रहे हैं, है ना, हम किसी सफ़र में निकल रहे हैं, तो क्या होगा, आउट ऑन, ठीक है, ये आउट ऑन का एक पेयर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल प्रीपोजिशन भी बोलते हैं, कि दो शब्दों को जब एक साथ मिलकर बोलते हैं, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, एवरी वन ऑफ अस विल हैव टू अटोन, फिल इन द ब्लैंक्स है, हीज और हर मिसडीड्स, मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमको समझने की जरूरत है, अटोन का मतलब क्या होता है, अटोन का मतलब होता है कि मतलब कि अपोलाई, क्या बोलना चाहिए, या हमें उसको माफ़ कर दे रहे हैं, सॉरी, जो जिसको बोलते हैं ना, सॉरी कर दे रहे हैं उसको, ठीक है, तो हम लोग अगर कोई भी गलती कर रहा है उसके, या फिर मिसडीड्स मतलब कुछ उसने गलती कर दी, या फिर उसने गलत बातें बोल दी हैं, तो उसके लिए हम लोग को माफ़ करते हैं, तो हम लोग हमेशा अटोन फॉर करते हैं, अटोन फॉर मतलब हम लोग उसकी गलतियों पर माफ़ी करते हैं, अटोन ऑफ नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है, तो अटोन जो शब्द है वो हमेशा फॉर के साथ यूज़ होगा, ये चीज़ आप थोड़ा याद रखिएगा, अटोन विथ नहीं होता है, अटोन हम किसी के साथ सॉरी नहीं होते हैं, हम उस कारण के लिए उसको सॉरी कर रहे हैं, तो वो उसके साथ विथ नहीं आएगा, ठीक है, अटोन फॉर हिज और हिट हर मिसडीड्स, ठीक है दोस्तों। सेवंथ है, वी मस्ट नॉट कार्व, फिल इन द ब्लैंक्स है, द एरर्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। अब देखो, ये क्या बोलना चाह रहा है, कि हमको अपने जो भी पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज हैं, पूर्वज, ठीक है, उनकी गलतियों पे क्या करना चाहिए, बोल रहे हैं नॉट कार्व, मतलब उसके साथ हम उनको वो करना चाहिए, सीखना चाहिए उससे कुछ, ठीक है, तो हम लोग देखिए कार्व फ्रॉम, फ्रॉम का भी यूज़ होता है, जब हम किसी चीज़ से कुछ ला रहे हैं, बट यहाँ पर हम कुछ ला तो नहीं रहे हैं, विथ का भी होता है, जब हम उसके साथ कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर साथ नहीं कर रहे हैं, हमारे एंसेस्टर तो पता नहीं है कि नहीं है, कौन जानता है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है। अब अबाउट यहाँ पर सबसे परफेक्ट वर्ड यूज होगा, क्योंकि हम लोग कार अबाउट मतलब कि हम उनकी गलतियों से सीख सकते हैं, है ना, जो भी उन्होंने गलतियाँ की थी, जो भी उन्होंने हमको पार्ट सिखाया था, उनसे हमको सीखना है, ठीक है, द एरर्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। आठवां है, वी हैव टू प्लेन्स, द फॉर्मर, सॉरी, वी हैव टू प्लान्स, द फॉर्मर कॉस्ट मनी एंड द फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉस्ट टाइम। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैंने ये वाला इसलिए लिया है कि किसमें जो कन्फ्यूजिंग जो बोलते हैं ना, कन्फ्यूजिंग
कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं यहाँ पर। देखिए आपको लेटर भी से लग रहा होगा कि लेटर कॉस्ट टाइम्स, ये भी सही लग रहा है। लास्ट वन कॉस्ट टाइम, ये भी सही लग रहा है। लेट कॉस्ट टाइम्स, ये भी सही लग रहा है। लेटेस्ट वाला चलो यहाँ पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन आपको थोड़े कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं। तो इसको समझते हैं ए वन बाई वन। लास्ट वन, लास्ट वन क्या होगा? देखिए अगर कोई सीरीज में कहीं पर कोई खड़े हैं और उसके बारे में हम लोग बात करें कि ये लास्ट वन वाला आदमी की बात कर रहे हैं, तब हम लोग ये लास्ट वन यूज़ करेंगे। बट ये कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लास्ट वन का कहीं पर सेंटेंस है नहीं, तो बी वाला आंसर तो अपना रॉन्ग हो गया है। लेटेस्ट हमने ऑलरेडी रॉन्ग कर चुका है पहले ही। लेट क्या होता है? लेट क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ को करने जा रहे हैं और उसमें हम मतलब देरी जो बोलते हैं ना, देरी हो गई है, तो वो लेट होगा। तो ये लेट तो यहाँ पर हुआ नहीं है, ये किसी दूसरे के बारे में, मतलब कि देखो दो प्लान है उसके पास, एक प्लान दो प्लान। तो पहला प्लान उसको क्या कर रहा है? पैसा लगा रहा है। दूसरा प्लान क्या कर उसका समय ले रहा है। तो लेटर जो शब्द होगा जो दूसरे वाले के, जो हम जो दूसरे की बात करते हैं ना, दूसरे की बात करते हैं, तो हम लोग लेटर का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। ठीक है। नाइन क्वेश्चन है, एवरीवन सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स है विदाउट इंजरी। अब देखो यह भी कन्फ्यूजिंग वर्ड वाला पेयर है। ठीक है, ये याद रखिएगा आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड्स वाले। अब देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है कि एंड लिविंग विदाउट इंजरी, ये भी सही लगेगा कि वो जी तो रहे हैं और वो बिना इंजरी के जी रहे हैं, तो यहाँ पर लिविंग भी आपको सही लगेगा। लिवली एक हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइवली मतलब क्या होता है कि मैं वह एक बहुत ही लाइवली लाइफ जी रहा है, मतलब कि वो बहुत इंजॉयबल जो बोलते हैं ना, इंजॉयबल लाइफ जी रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो लाइवली वाला ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। लिव मतलब क्या होता है? वह जीना, किसी भी चीज़ को जीना होता है ना, तो लिव यहाँ पर आएगा नहीं। लाइव जो अपन बोलते हैं कि ही जब नहीं बोलते हैं कि आज तक में चुनाव का रिजल्ट लाइव आ रहा है, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर, जो एकदम करंट में हो रहा है ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? लिविंग नहीं आके अलाइव आएगा, क्योंकि वह एक एक्सीडेंट को सर्वाइव कर चुके हैं और उसके बाद वो कितने हैं, क्या हैं, जिंदा हैं, है ना, जिंदा हैं विदाउट इंजरी। ठीक है, तो अलाइव इसका सही आंसर हुआ बी, नाइन्थ का बी ऑप्शन सही होगा। टेंथ क्वेश्चन क्या है? देयर हैज़ बीन अ सीरियस एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग फोर कार्स, फिल इन द ब्लैंक्स है द मोटरवे। ठीक है, अब मान लो कि मोटरवे एक रास्ता है, वहाँ पर क्या हुआ है, चार कार है ना, चार कारों की एक्सीडेंट हो गई है। तो अब एक्सीडेंट हुआ है तो वह मोटरवे पे हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर सॉरी दोस्तों, अगर मैं बोलता कि वह मेरे रास्ते में जाने के लिए हुआ है, जिस रास्ते में जा रहा था, ठीक है, वहाँ से मैं जस्ट गया हूँ वहाँ पर हो गया है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऐट बोलते हैं कि वह ऐट हुआ है, मतलब कि एकदम ऐट द स्पॉट हो गया है। अपन जो ऑन द स्पॉट नहीं बोलते हैं, ऑन द स्पॉट हो गया है ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दसवां का बी होगा, ऑन द मोटरवे। ठीक है, ऑन द मोटरवे मतलब वो उस मोटरवे पर हुआ है। ठीक है, बाई नहीं होगा, बाई मतलब जैसे कि हम लोग आई एम गोइंग टू स्कूल बाई माई साइकिल, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किसका यूज़ करके हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर बाई वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इन नहीं आ पाएगा यहाँ पर, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत है, जो इनका मैंने आपको सिंपल समझ बताया था अंदर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑन द मोटर। ठीक है, ग्यारहवा है, टू ट्रेन्स फॉर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर डैश है वेरी हाई स्पीड। अब देखिए जब कोई भी चीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही होती है ना, ऐसे अगर एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये भी इधर से आ रही है ट्रेन, तो क्या होगा? मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे की तरफ जा रही हो और हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसके बात करें कि कितनी स्पीड से जा रही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एट अ वेरी हाई स्पीड। एट मतलब बहुत ही तेज स्पीड से उस समय पर जा रही है। ठीक है, एट अ वेरी हाई स्पीड। विथ नहीं होगा, विथ मतलब मैंने आपको बताया था साथ में, ऐसा कुछ है नहीं, ट्रेन भले एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है बट उनका साथ आना कहीं पर ऐसा नहीं है। जो हम लोग स्पीड के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं वो एट होता है, एट अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मेरा अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं हुआ, लगता है अभी भी थोड़ा खांसी आते रहता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है फिर से, आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स है हीज बैड बिहेवियर। अब देखो मैं कुछ अच्छा मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कोई रीज़न के बारे में, मतलब कोई कारण नहीं सोच पा रहा हूँ, किस लिए नहीं सोच पा रहा हूँ उसके बैड बिहेवियर के बारे में। तो देखिए जब किसी का भी बैड बिहेवियर होता है ना, तो रीज़न हमेशा किसके लिए होता है? फॉर के लिए होता है, रीज़न फॉर हमेशा होता है, याद रखिएगा। अगर रीज़न का कहीं बियर हो गया तो रीज़न हमेशा अगर किसी कारण के बस कारण बस उसी के बैड बिहेवियर के बारे में बता रहा है, तो हमेशा रीज़न फॉर एवरीथिंग होगा। ठीक है, रीज़न फॉर हमेशा, ये पियर याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी रीज़न फॉर हिज बैड बिहेवियर। ठीक है दोस्तों, थर्टीन्थ है, द हाउस इज डैश सेल
बट वी डोंट हैव द मनी टू बाई इट, है ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों, आप यहाँ से भी एक प्रीपोजिशन आप समझ सकते हैं, मनी के बाद क्या यूज़ किया हम लोग, टू। तो हमेशा मनी के बाद अगर किसी चीज़ के खरीदने की बात हो रही है तो याद रखना मनी टू होगा, ठीक है, वो चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। द हाउस इज़ फॉर द सेल होता है हमेशा। हाँ, अगर हम किसी घर का बोलना चाहिए ऑक्शन भी बोल देते हैं, है ना, ऑक्शन जब हम नीलामी बोलते हैं, नीलामी नीलामी जो घोषित करते हैं वो हमेशा फॉर द सेल होता है, ठीक है। द हाउस इज़ फॉर सेल बट वी डोंट हैव द मनी टू बाई इट, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, फॉर। आई मेट, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्सीडेंट, ही वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू पेयर ऑफ शूज। अब देखो, मैं उससे मिला कब। अब देखिए, एक्सीडेंट आपको क्या लग रहा है कि मैं उसको एक्सीडेंट के समय मिला हूँ, ऐसा नहीं है। जब वो कॉन्टेक्स्ट भी आपको, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। मैं क्या, कहाँ मिला उसको, वो भी जूते का एक पेयर ढूंढ रहा था अपने लिए, मतलब वो भी जूता लेने आया था, मैं भी जूता लेने आया था, तो मैं उससे मिल गया। तो आई मेट हिम विथ एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं उसके साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ हूँ, मैं उससे मिला हूँ। तो मिला हूँ के लिए क्या हो जाएगा, बाई, है ना, बाई एक्सीडेंट, मतलब कि मैं गलती से उससे मिल गया था, ठीक है। अब ऐसा ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया तो उनका भिड़ंत हो गई है या फिर उनकी गाड़ी ठूक गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, ठीक है। आई मेट हिम बाई एक्सीडेंट, ही वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू पेयर ऑफ शूज, ठीक है, या फिर मैं भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा होगा, ठीक है, जो भी है। बट यहाँ पर आंसर जो होगा, हमेशा आप किसी को बाई एक्सीडेंटली मिलते हैं, और आप किसी के साथ अगर एक्सीडेंट होते हैं तो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, या तो आप एट द स्पॉट एक्सीडेंट होगा, ठीक है, या तो विथ एक्सीडेंट होगा, ठीक है, किसी के साथ अगर एक्सीडेंट हो रहा है आपका। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये, द डॉक्टर सेड दैट देयर वॉज नो क्योर, फिर इन द ब्लैंक्स है, द डिजीज एट दैट टाइम, मतलब कि सेड, मतलब कि पहले बताया था उन्होंने, मतलब भूतकाल की बात कर रहे हैं हम लोग, डिजीज एट दैट टाइम, दैट अगर अगर ये प्रेजेंट की बात होती है तो डेट की जगह क्या आता, दिस आता, ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा। देयर वॉज नो क्योर, न्यू क्योर किसके लिए होगा, अगर किसी भी डिजीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और अगर हम उसके, समझिए ये बता रहे हैं कि उसका क्योर, मतलब कि उसका कोई इलाज नहीं है, तो हम लोग क्या बताएंगे, उसका फॉर, मैंने क्या बताया, किसी भी रीज़न का क्या होता है, फॉर होता है, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर भी सही होगा, क्योर फॉर द डिजीज एट दैट टाइम। तो राइट आंसर क्या होगा, फॉर। दोस्तों ये आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप क्वेश्चन से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और थैंक यू दोस्तों।